हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नीट 2022 का कट ऑफ को लेके मैंने बहुत सारे वीडियो आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्या कट ऑफ रह सकता है इसको देखते हैं। दोस्तों, मैंने आपको कट ऑफ ही प्रिडिक्ट किया हुआ है और ये आप लोग नोट करके रखे होंगे, ठीक है ना। 24,200 तक मिल सकती है कॉलेज आपको, ठीक है ना। टाइम्स और ये भास्कर का न्यूज़ भी मैंने आपको बताया था कि 25,000 तक चांस है, और मैंने डाटा एनालिसिस करके बताया था। अब देखिए दोस्तों, मैंने ये ग्रुप बनाया हुआ है, यहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री काउंसलिंग के लिए, और पेड काउंसलिंग के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपसे दो प्लान है। 7,000 में आपका काउंसलिंग कराया जाएगा 3 मंथ्स, ठीक है ना। और अब बात करते हैं जो फर्स्ट राउंड की क्या कट ऑफ रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये जो कट ऑफ है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार, जो यूवर कैटेगरी के लिए फर्स्ट राउंड में 17,000 के आसपास आपको रैंक पे मिल जाएगी कॉलेज। देखो, प्लस माइनस 500 हो सकता है, वो लेके चलना रैंक में, ठीक है ना। अगर मैं 17 बोलूँ तो 16.5 भी हो सकता है, मतलब हर किसी में प्लस माइनस 500 रैंक लेके चलना। OBC में 18,000 और EWS 18,500, SC 85,000 और ST जो है 1,09,000 रैंक तक कॉलेज में जो है फर्स्ट राउंड में मिलने की पूरी पूरी चांसेज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड राउंड में। सेकेंड राउंड में दोस्तों आपको 20,500 तक कॉलेज मिल सकता है, हो सकता है 20,000 रैंक तक ही जो, लेकिन ये आप ले के चलना, ठीक है ना, प्लस माइनस 500। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता रहा हूँ OBC का 20,800 तक। और यहाँ पे थोड़ा सा वो टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ एक्चुअली 500 है और EWS 800 है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान देना, ठीक है, ये सेकेंड राउंड का ये यहाँ तक कट ऑफ आपका रह सकता है, ठीक है। तो ये तो और ये एक्चुअली ये 21,800 नहीं है, सॉरी, ये 20,800 है, ठीक है। तो ये आपका ये रह सकता है कट ऑफ आपका। और यहाँ OBC का थोड़ा सा आप यहाँ देखेंगे तो लगभग लगभग सेम ही होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 100 रैंक का होगा ये आप मान के चलिए, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत ये हो सकता है इसमें, मतलब सेकेंड राउंड में आसपास ही रहता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे तो 300 रैंक के आसपास आपको यहाँ दिखेगा डिफरेंस। और SC ST का आपको यहाँ बता दिया, 1 लाख तक रैंक तक मिल जाएगा और 1,15,000 ST, ठीक है। अब आपको मैं मॉपअप की बात करूँ तो मॉपअप में 22,000 रैंक तक आपको सीटें मिल जाएगी इस बार, ठीक है, और जनरल को, और EWS 22,500, ठीक है, OBC 22,200, ठीक है, ये आपको सीटें मिल जाएगी। AC 1,05,000 और ST 1,25,000 तक सीटें आपको मिल जाएगी मॉपअप में। और स्ट्री वैकेंसी राउंड की बात करें तो स्ट्री देखो, इस बार कम चांस है कि मेरे विचार से स्पेशल स्ट्री हो, क्योंकि इस बार काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है चेंज हो रही है। आप लोग भी पता है जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसे डिजाइन किया गया है कि सीट ब्लॉकिंग नहीं हो, तो मुझे जो लगता है स्ट्री वैकेंसी राउंड में ही आपकी सीटें समाप्त हो जाएगी। स्पेशल चांस हो सकता है कुछ बच्चे छोड़ दें, जम्मू कश्मीर ना जाएं, ऐसे केस सिचुएशन में ड्रॉप ले लें, तो उस केस में कुछ सीटें आ जाए, तो स्पेशल में ज़्यादा सीटें नहीं आएगी, ठीक है। तो ये जो है ये स्पेशल का मैं मान के चल रहा हूँ 24,200 रैंक तक आपको स्ट्री राउंड में मिल जाएगा सीटें, जिनल को EWS 24,500, OBC 24,300। तो मैंने इस पे किया हुआ है J1 से यही, और SC 1,15,000 तक मिल सकता है, ST को मिल सकता है 1,30,000, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया कि मैंने ये प्रिडिक्शन किया हुआ है, तो वो डाटा चेंज नहीं हो सकता, जो रहेगा वही रहेगा, ठीक है, जो मैंने J1 बता दिया आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये कट ऑफ है और ये सॉफ्टवेयर का जो बातें थी, और मैंने सारे आपको बताया हुआ प्रिडिक्शन। तो ये फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड की डिस्कस हो गई, और आपको अगर पेड काउंसलिंग लेना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ, ठीक है दोस्तों। और एक और चीज़ है, NMC की एक नोटिस भी आ गई थी, वो मैं आपको नहीं बताया, छोटा सा न्यूज़ था, क्योंकि वो है कि आप अभी 8 तारीख तक समय दिया गया है, जो जो अप्रूवल हो रहे हैं कॉलेज उनको टाइम दिया गया, आप एफिडेविट फाइल करके दे दीजिए कि इनका अप्रूवल होना है, कि NMC रिकॉर्ड में रखे, क्योंकि लास्ट ईयर क्या है मॉपअप राउंड तक कॉलेजें बढ़ रही थी, तो इस साल ऐसे नहीं होगा, पहले ही कॉलेज लिख के दे देना होगा, ठीक है। और NMC के पास एक NMC ने एक टाइमलाइन दे रखा है 8 तारीख को, और कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा,
और तब तक चैनल पे नया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, थैंक यू, बाय।